कल फिर नहीं पाती मैया अब तो बिल्कुल बेकार खाना पीना बना लेती थी। अच्छा भी लेती थी वहाँ। हाँ। अब उससे भी बेबत्तर हो गई। खाना पीना बनाना भी अब मुश्किल है। मुश्किल है अब सब चीज मुश्किल है। उठ बैठ भी नहीं पा रही, चल भी नहीं पा रही है मैया। और ऐसे चलना फिरना तो जब उठना नहीं है तो चलूंगी कैसे ऐसे। माता जी बाबा जी है नहीं? बाबा जी का जल इस बार काफ़ी आ गया और संतों की जो कुटिया है वो बहुत सारी संतों की कुटिया बह गई। बहुत सारे संतों ने थोड़ा बहुत सामान जो था कुटिया का वो किसी तरह से बचा के रखा। हम और हमारे चेतन भैया ने प्रयास किया, कोशिश किया कि संतों की मदद की जाए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा जल उतरा हुआ है। संत महाराज जी कैसे रह रहे हैं, किस तरह से कुटिया में उनके प्रसाद की व्यवस्था है, वो सब की जानकारी लेने के लिए चल रहे हैं। साथ में हम लोगों ने राशन का सामान लिया हुआ है, जिसमें दाल चावल आटा तेल नमक आदि सामग्री है, मसाले हैं, जिससे संत महाराज जी को दिया जाए कुछ जो है मदद हो सके, कुछ सेवा हो सके। तो आइए चलते हैं, संत महाराज जी यहाँ जंगलों की तरफ हैं, वहाँ चलकर संत महाराज जी की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, जो भी राशन का सामान होगा वो उन्हें देते हैं। माता जी बाबा जी है नहीं? बाबा जी माता जी राधे। हाँ राधे 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 राधे। राशन है? हाँ राशन यहाँ अंदर दे दो, मैं तो नहीं ले पाऊँ। हाँ उठ बैठ नहीं पाती, चल नहीं पाती हो। राधे राधे। और कोई जरूरत हो तो बताइएगा। राधे राधे बहुत है इतना। हाँ हाँ बाबा जी कहीं गए हैं? नहीं वहाँ नीचे उधर। और बनाने लिए पानी आनी कहाँ से? पानी यहीं से कहीं से, जमुना जी का पानी आता है। अच्छा और ये मॉल का आता है ये वाला? अच्छा ये मॉल का पीने के लिए। हाँ ये पीने के लिए। और खाना कैसे बनाती हो? खाना मैं नहीं बनाती हूँ, बाबा बना बनाते हैं उसी से, गाय से पी। अच्छा इस बार यमुना मैया ने पूरा वो कर दिया। जल पूरी अच्छी झोपड़ी थी, मैं तो आ चुका हूँ। हाँ, हाँ। आपकी तो बहुत बढ़िया झोपड़ी थी। हाँ, बढ़िया थी जी। चल फिर नहीं पाती मैया? अब तो बिल्कुल बेकार खाना। हाँ। पीना बना लेती थी। अच्छा भी लेती थी वहाँ। हाँ। अब उससे भी बेबत्तर हो गई। खाना पीना बनाना भी अब मुश्किल है। मुश्किल है अब सब चीज मुश्किल है जी। अब तो है कि मेरी कोई एक कोई औरत कोई आ जाए मेरी सहायता करे, उठाने बिठाने को, उठाने बैठाने वाला कोई नहीं। अच्छा इतना भी मतलब चल फिर नहीं पाती हो? बहुत परेशान। कोई मिल जाए इतनी दया दिखा दो जी। कोई मेरे लिए सेवा के लिए भेज दो जी। अब नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मेरे कोई नहीं। अब मैं कौन करे मेरी? बाबा जी तो हैं। आए नहीं। कोई नहीं होता महाराज जानते हो, जब शरीर मेरी मजबूरी है, शरीर जब बेकार हो जाता तो कोई नहीं होता है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर माता जी हैं और चलना फिरना सब मुश्किल है। और इस समय तो जब बाढ़ आई यमुना जी, मेरी सेवा कोई औरत कर सके, कोई औरत मिल जाए। अच्छा तो वो कुछ ले देगी तो देखते हैं, अगर कुछ व्यवस्था होती है। हाँ।
तो किसी को रखवा देते हैं। मेरे पास रखवा दो, आप इतनी कृपा कर दो, बहुत महान कृपा होगी, दया होगी। हाँ नहीं नहीं मैया, मैं देख रहा हूँ आपकी तो बहुत स्थिति गड़बड़ है, आप देख सकते हैं मैया एकदम नहीं उठ बैठ भी नहीं पा रही, चल भी नहीं पा रही है मैया, और ऐसे चलना फिरना तो जब उठना नहीं है तो चलूंगी कैसे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यमुना जी इतना जब आई तो पूरा सामान कैसे उठाना बिठाना सब कर लेती थी, पहले तो कर लेती थी। मैं आ चुका हूँ मैया आपके पास, सब तभी वो चिंता लगी हुई थी तो इसलिए आया कि कैसी रह रही है मैया। मैया को आप देख रहे हैं एकदम, दो मिनट हाँ मैया, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है मैया, हाँ आप यहाँ समझ सकते हैं कि मैया किस हालत में रह रही हैं और आंखों से आंसू छलक आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैया कैसे रह रही हैं। हम सबका जीवन थोड़ा सा भी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, परेशान हो जाते हैं, यहाँ तो मुश्किल ही मुश्किल है। मैया चल नहीं पाती, दो कदम नहीं चल पाती, घिसट घिसट कर चलती है। एक बार पहले भी हम लोग आ चुके हैं, बाढ़ से पहले जब यमुना जी का जल इतना नहीं आया था तब मैया थोड़ी स्थिति ठीक थी, आज तो बहुत ही मुश्किल का है। और आज माता जी की जो कराह है, आवाज़ है, उनका दर्द, उनकी पीड़ा सुनकर तो मन फट जा रहा है, एकदम दिल रो रहा है कि कैसे भी किसी भी तरह से मैया की मदद हो। ऐसे जगहों पर, इस जगहों पर हम कोशिश कर रहे हैं कि पहुँचे, थोड़ा जो राशन की व्यवस्था है अभी मौजूदा समय में तो वो व्यवस्था हो सके, इसका प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इन यमुना जी के जगह पर आप देख सकते हैं जहाँ पर जंगल है, यहाँ पर लोग नहीं आ पा रहे हैं अभी, और लोगों को पता नहीं है कि कैसे मदद की जाए, तो इसलिए जो है यहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैया की जैसी स्थिति है, वो करुणामयी है, वो बहुत आँख में आंसू लाने वाली है, भावुक कर देने वाली है कि जल एक तो बहुत बड़ा है और दूसरा दो कदम भी उनका चलना फिरना नहीं है। माँ एकदम तड़प कर बोल रही है कि किसी भी तरह से कोई महिला रहे, कोई सहायता करे, मदद करे, जिससे वो चल फिर पाए। इस तरह की माताजी और संत महात्माओं की कुछ मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल डाल देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं, आप भी मदद कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे किस मुश्किल में संत महाराज जी लोग रहते हैं जंगलों में, और आप समझ सकते हैं कि यहाँ से निकलना आना बहुत मुश्किल होता है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ कठिन और कठोर तपस्या साधना के लिए रहते हैं। हमारी सनातन संस्कृति की यही पहचान है, हमारी सनातन संस्कृति को यही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए ना मठ में जाते हैं ना ये मंदिरों में जाते हैं। तो इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब भी मिलकर संत महाराज जी लोगों की मदद करें। बाबा जी तो नहीं है इधर, बाबा जी आपकी कुटिया है। अच्छा तो पानी आ रहा है आपका, पानी आ रहा है तो कुटिया वहाँ आरती पूजा वहाँ होती है। हाँ इतना ही होता है, इतना ही बन हो, इतना ही इतना ही होने लगी। अब तो जल भर गया है, मट्टी भर गई है पूरा मंदिर में जी, सब सफाई करने पर है जी, जी। जब वो निकाल है तो ना हो जावे ससक जावे जल, तो प्रसाद प्रसाद कैसे हो पा रहा है जी, वो तो है तहीं से हो जाते हैं, वहीं में थोड़ा बहुत कर पाते हैं। हाँ, इस बार तो बहुत ज्यादा जला गया। हाँ बहुत ज्यादा, अरे अब की बार तो बहुत दिन से आओ है महाराज जी, इतने जला गया तो दादा हम तो भरे जाता ना खेर साजी यही में से अपने चाय पान और कड़े में से कर लेते जी जी। बस आइए बाबा की हम कुटिया दिखाते हैं जहाँ पर बाबा जी अपनी टिक्कर और जो प्रसाद बना पाते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाबा जी की जो कुटिया है वो यहाँ पे है, और इस स्थान पर बाबा जी जो है प्रसाद और टिक्कर किसी तरह से बना रहे हैं, क्योंकि इस समय पूरा हर तरफ जल ही जल है। तो ये कुटिया में यहाँ पर राशन का सामान है, थोड़ा थोड़ा सा
खाने पीने का सामान है, क्योंकि इस समय बारिश के समय जब जल बहुत आया तो बाबा जी की कुटिया का बहुत सारा सामान जो है वो जल में ही चला गया। तो थोड़ा बहुत जो सामान है उसी पर बाबा जी प्रसाद बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप समझिए, आप लोग चिंतन और मंथन करिए, हम लोग सामान्य स्थिति में हैं, हम लोग बाढ़ से प्रभावित नहीं हैं, हम लोग ऐसे दुर्गम स्थिति में रहते नहीं हैं। और उसके बाद जो है क्या हम जो है बाबा जी को, हम जो है क्या ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कराते हैं, क्या ठाकुर जी को पहले हम प्रसाद अर्पित करते हैं? ये आप देख सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में रहने के बाद बस भाव है संत महाराज जी का कि ठाकुर जी को प्रसाद मिले, ठाकुर जी को प्रसाद ग्रहण कराएं, मेरे ठाकुर जी भूखे ना रहें, मेरे ठाकुर जी किसी भी तरह से कष्ट में ना रहें। उसके कारण पूरी व्यवस्था करना और बाबा जी का ये कहना कि चाहे बाढ़ आ जाए, खूब आ जाए, यमुना मैया का बहुत जल आ जाए, लेकिन बस बाबा जी को जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनका प्रतिदिन का जो भोग लगता है ठाकुर जी को, प्रतिदिन जो है प्रसाद ग्रहण कराते हैं, वो जो है वो नहीं हो पाएगा, इसलिए बाबा जी गए ही नहीं यहाँ से। तो ऐसे संत हैं आज भी जो कठिन साधना, कठोर तपस्या कर रहे हैं, तभी हमारी भारतवर्ष की धरती नहीं विश्व की धरती बची हुई है। ऐसे संतों को बहुत बहुत नमन करिए, कोशिश हो सके, प्रयास हो सके, आप सब हम सब मिलकर ऐसे पूज्य संतों की मदद करें, सेवा करें, जिससे हमारा खुद ही, हम सबको खुद ही पर उपकार मिलेगा, हम सबको खुद ही, क्योंकि संत भगवान की हम लोग दया मदद क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी बन पड़े वो हम सबको करना चाहिए। माता जी है बेटी, हाँ जय श्री राधे। हाँ इस बार लेट आ पाए, हाँ हाँ, अब नंबर दे देंगे, नंबर देकर जो है फिर बताइएगा। तो आप नंबर दे लेट के दे देना। हाँ बाबा जी अभी मिले थे, बता रहे थे हाँ कि तबीयत तबीयत गड़बड़ थी, बहुत ज्यादा तबीयत गई है, ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, इनकी समझ दो दांत तक गड़बड़ हो गई। अच्छा बीपी हाई हो रहा है, ज्यादा हाई हो जाते, लेटरिंग हो जाते, क्या करो। ओ हाँ बाबा जी को नंबर दे देंगे, है ना, आपको आपको देते हैं, हम नहीं देते माता जी, इस पे है नंबर, इस पे नीचे वाला में। और कोई जरूरत हो को बताना है, बता रहे ऐसा तो है नहीं, हाँ मैं बता रहे ऐसा तो है ना, तो सब ठीक है, सब ठीक है। नहीं नहीं भजन लगेगा मैया, भजन तो आपका लगेगा, आपका तो भजन लगी मन लगी है, आप तो सेवा भाव में और भक्ति में है, ये तो लगेगा। सरकार दे रही है पेंशन में, बड़ा नहीं नहीं, सबसे बड़ा तो आत्मसंतोष है, हम लोग क्या दे पाएंगे, ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का वो है, बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं। नहीं मैया, अरे नहीं, अन्नदान के बराबर कोई काम नहीं है।